युवती का पाकिस्तानी युवक से कराया विवाह तो पति को छोड़ दोस्त के पास पहुंची भोपाल। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा थाना की ऊर्जा डेस्क के पास एक युवती का जबरन पाकिस्तानी युवक से विवाह कराने का मामला सामने आया है। दरअसल जम्मू के उधमपुर की रहने वाली 23 वर्षीय व्यक्ति ने गोविंदपुरा थाना की ऊर्जा डेस्क से शिकायत की है। युवती का कहना है कि उसकी मर्जी के बिना उसकी एक युवक से शादी करवा दी गई है। शादी के बाद युवती को पता चला कि उसका पति पाकिस्तानी हिंदू है। युवती अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए अपने घर पर एक नोट छोड़कर अपने दोस्त के पास भोपाल आ गई है। वही युवती के लापता होने पर उसके परिजन ने जम्मू पुलिस से गुमशुदगी की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने युवती और उसके मित्र से संपर्क किया। वही युवती की गोविंदपुरा थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने युवती की काउंसलिंग कराई और जम्मू पुलिस और उसके परिजनों को भी थाने बुलाया और दोनों के बयान करवाए, जिसके बाद युवती ने अपने दोस्त के साथ भोपाल में रहना स्वीकार किया और पुलिस ने युवती को उसके दोस्त को सौंप दिया। मैं भारत देश में जन्मी हूँ। मैं भारत देश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं अपने देश को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी शादी एक पाकिस्तानी नागरिक रोशन नाम के व्यक्ति से कर दी, जहाँ जो मुझे दुबई या पाकिस्तान लेना चाहता था और मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैंने एक लेटर छोड़ के भोपाल अपने सहपाठी के पास आ गई। मैंने और मेरे सहपाठी ने मिलकर महिला डेस्क गोविंदपुरा थाना में जाके अपनी समस्या बताई। उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया, हमें न्याय दिलाया और हमें समझा। हम गोविंदपुरा थाना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं अब भोपाल छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। एक युवक युवती कहीं बाहर से आए हुए हैं और रह रहे हैं। तहकीकात की गई तो मूल से जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। भारतीय मूल की ये युवती प्रियंका कलगोत्रा नाम है। ये अपने लिव इन में इसके ही साथ में एक मंजीत नामक है, जो ये भी मूल से जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसके साथ रह रही थी। यहाँ भोपाल गोविंदपुरा थाना अंतर्गत जैसे ही सूचना मिली, ये प्रधान आरक्षक सोनिया पटेल, अन्य पूरी टीम सुनील राठौर और ये मौके पर पहुंचे तहकीकात की, तो सूचना समझ में आया इसमें कि मूलतः ये सोनिया जो प्रधान आरक्षक को ये बताया बयान पर अपने, इसने प्रियंका कलगोत्रा उधमपुर की रहने वाली है। इसके परिजनों ने एक रोशन नामक व्यक्ति के साथ में इसकी शादी कर दी थी। 2 दिसंबर 2022 को इसका शादी हुई। शादी के बाद जब इसको पता चला कि ये पाकिस्तानी मूल का रहने वाला है, इसको दुबई में अपनी नौकरी जहाँ पर वो करता व्यक्ति वहाँ ले जाने वाला है, और इसकी विचारधारा और झंडे वंडे सब इसके फेसबुक पे वाने चीज़ों पे जो देखे इसने, ये तो पाकिस्तान का है, तो इसने रहने से मना कर दिया। बोले कि मैं भारत छोड़ कर नहीं जा सकती, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ, मैं इंडिया में ही कहीं रह सकती हूँ, और वो इसको पाकिस्तान या दुबई। तो सूचना समझ में आया इसमें कि मूलतः ये सोनिया जो प्रधान आरक्षक को जो बताया बयान पर अपने, इसने प्रियंका कलगोत्रा उधमपुर की रहने वाली है। इसके परिजनों ने एक रोशन नामक व्यक्ति के साथ में इसकी शादी कर दी थी। 2 दिसंबर 2022 को इसका शादी हुई। शादी के बाद जब इसको पता चला कि ये पाकिस्तानी मूल का रहने वाला है, इसको दुबई में अपनी नौकरी जहाँ पर वो करता व्यक्ति वहाँ ले जाने वाला है, और इसकी विचारधारा और झंडे वंडे सब इसके फेसबुक पे वाने चीज़ों पे जो देखे इसने, ये तो पाकिस्तान का है, तो इसने रहने से मना कर दिया। बोले कि मैं भारत छोड़ कर नहीं जा सकती, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ, मैं इंडिया में ही कहीं रह सकती हूँ, और वो इसको पाकिस्तान या दुबई का ऑप्शन दे रहा था। अंततः ये छोड़ के उधमपुर का ही रहने वाला एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम है मंजीत है, वो भी जम्मू कश्मीर का ही है, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति जो वर्तमान में भोपाल में प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसके साथ लिविन में भी रह रही है, और इसने जो पहली शादी इसका हुई है उससे कोर्ट से उसमें तलाक करा के इसके साथ शादी करने का इसका विचार है।
केस हो जाते हैं। ये हमारा 15वां केस है। अभी पिछले साल हमने हिमाचल प्रदेश वाला किया था क्लियर। क्या वाइट अपने अधिकारी दे तो ज्यादा अच्छा है ना।